यदि समुद्र मथुरा
Thank you.
दो प्रमुख अंग हैं। ऊपर अष्ट सप्तम आती है, क्रिया पिंड सिंहासन पर विराजमान होते हैं, भक्त लोग भोग लगा करके माला भैया करके श्रृंगार करके सरस्वती श्रृंगार कोई बेसन धारण कर रहे हैं, कोई माला पहना रहे हैं, फिर श्रृंगार भोग इसको श्रृंगार तो ऐसा नहीं है कि लिया और अपनी दुनिया को भी लिया श्रृंगार को दिए नहीं। जब तक भक्ति मुकुट धारण न हो जाए तब तक उसे श्रृंगार होगी। हाँ भक्ति मुकुट चंद्र का प्रिया जी सखियाँ भक्ति धारण कर लें कि कोई पाल भोग तो है नहीं, स्वरूप स्वरूप के हिसाब में तब जो है जा करके भोग लगा। अब ये भक्ति की सेवा है जो और किसी के लिए हम ही लोग भूल गए सब अब आरती है। ये जिस प्रकार कोई महापुरुष हमारे यहाँ पधारता है तो हम उसके चरण पर धारण करते हैं, माला पहनाते हैं, उन्हें चंदन लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं, उनकी वाणी के द्वारा प्रभुष जो भी होता है। ऐसे ही क्रिया मैं क्या बताऊँ एक लोग की नहीं कि तो समस्त विश्व के परम जाति पद नग ज्योति के आभा को अणु यानी के चरण का जो अनुष्ठा है उसकी पद नग ज्योति के आभा को अणु जितने भी देवी देवता अवतार जितने प्रिया जी के चरण नक्शे चरण नक्शे नहीं नक्की जो आभा है उससे सबका ताकत है। लोग बहुत ज्यादा भ्रमण पड़ गए हैं अपनों अपनों अपने अपने कुंडली अपनों अपनों भाव मेरी सर्दी मैया है, मेरी संतोषी मैया है, मेरी चादर मैया, ये सब इनके धर्म ब्रह्मांडों से निकली है प्रिया जी की शिक्षा। परंतु क्या है कि वहां तक पहुँच नहीं पाते, चलो उनका जो चिन्ह है उसी में हम आनंद ले लेते हैं। यहाँ पीतल के चरणों की वंदना अष्ट प्रहरी सेवा में गोपियाँ करती है, इसी भाव से आरती हो रही है। आप सब सखी भाव आए इसी सब को आए थे भगवान शंकर दास जी दास जी हो के श्रृंगार रस का पाए पर श्रृंगार करके आओ या ये भगूति हो ये सब कुछ नहीं चलेगी। शाम लटका लिए आगे रास्ते भगतन और भगती श्याम कहने का तात्पर्य ये है सरस अधिक सरस आहू में कोई अति सरस सो ये है रास सरस इतनी सरस रास में हानि की प्राप्त। आइए और आप अपने मन में प्रिया प्रीतम की सखी है मानसिक भाव से हम ऐसा सखी भाव उत्पन्न करें जो प्रिया प्रीतम हम पर जीत जाए। प्रिया जी कहने सखी आपको बहुत बहुत चिंते रहे जीवन धन ऐसे मानसिक भाव से सखी भाव बना लें और आरती में सम्मिलित आरती करें प्रिया प्रीतम की सखी भाव से मानसिक भाव तेरे प्यारी